वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए। अगर इसका मतलब ये हुआ ए कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, यूनिट वेक्टर की एक होगी, मैग्नीट्यूड वन होगी, और ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को। क्यों? क्योंकि देखिए अगर किसी वेक्टर में उसके मॉड से ही भाग गए, ये वेक्टर लिखा है वेक्टर ए, वेक्टर ए का मतलब क्या हुआ कि दोनों चीजें दी होंगी, मॉड भी है उसमें और डायरेक्शन भी है, मॉड भी है और डायरेक्शन भी है, यानी कि वेक्टर ए में क्या है, मॉड भी है, मैं यहां लिख देता हूं, मॉड भी है और प्लस क्या है इसमें, डायरेक्शन भी है, दोनों चीज क्या है, मॉड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन इसके मॉड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यानी कि ए के वेक्टर के मॉड से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर हम उसके मॉड से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, डायरेक्शन बचा, यानी कि जो भी यूनिट वेक्टर होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए ही यूज किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वन होता है, ठीक है, इसलिए। तो यूनिट वेक्टर निकालना बहुत सरल है किसी चीज का, जो है कैसे निकालेंगे, तो लिखा है ए कैप, तो अगर लिखा है कोई वेक्टर ए है और उसका ए कैप निकालना हो, यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो लिखेंगे ए वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, ऐसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। अगर एग्जांपल ले लें तो जैसे मान लो कि हमारे पास वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए दिया है और ये है थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ये वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस वेक्टर का, इस ए वेक्टर का जो है यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए कैप, और सबसे पहले क्या रहेगा, ए, ये देखिए यहां फॉर्मूले में ए अपॉन मॉड ऑफ ए। और मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग बता, हम यहां बताने जा रहे हैं कि मॉड ऑफ ए निकालने के लिए अंडर रूट जो ये एक्स वाई जेड होते हैं, जो एक्स वाई जेड होते हैं उसी का अंडर रूट में स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट में क्या कर देंगे, और स्क्वायर करके क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो एक्स के जगह पे हम क्या है थ्री, तो थ्री का स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, प्लस किसका टू का स्क्वायर प्लस किसका थ्री का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ ए, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए, और ये आएगा कितना, तीन का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चे, नौ, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, ठीक है, तो नौ नौ अठारह, आठ चार बारह, बाईस, अंडर रूट बाईस आएगा, मॉड ऑफ ए आ गया हमारा अंडर रूट बाईस। तो हम लोग यहाँ डिवाइड कर देंगे किससे, अंडर रूट बाईस से, इसी फार्मूले में हम लोगों ने क्या कर लिया, यूज किया, ठीक है। तो अभी हमको ये आप लोग को बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर को कैसे निकालते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यूनिट वेक्टर को निकालने का बहुत सरल तरीका हम लोगों ने देख लिया, अब आगे बढ़ेंगे और आज बात करेंगे जो कि फिजिक्स के दृष्टि से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और वो चीज क्या है, कैसे है, कहां है, तो अब देखते हैं वो चीज क्या है, ठीक। तो ये है प्यारे बच्चों, यहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं वेक्टरों का वियोजन, सदिशों का वियोजन, सदिशों का सदिशों का वियोजन। आखिर हम सदिशों का वियोजन ये है क्या, सदिशों का वियोजन हम लोग पढ़ते क्यों है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये समझने वाली बात है कि किसी भी सदिश का वियोजन क्यों करते हैं, तो आइए जानते हैं सदिश का वियोजन क्यों करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब
कोई एक्शन होता है तो वो क्या होता है, जब कोई वेक्टर टाइप का कोई एक्शन होता है तो वो कभी कभी क्या होता है, वो एक्सिस से बियॉन्ड हो जाता है, यानी कि एक्सिस से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि वो अवकात में उसको लाने के लिए हमें वेक्टर का वियोजन, उस सदिश को अवकात में लाने के लिए प्यारे बच्चों हमको क्या करना पड़ता है, वियोजन करना पड़ता है। जैसे हमारे पास एक सदिश है, ये हमारा आपको पता है कार्टेशियन प्लेन है, और इसमें जो है ये एक्स एक्सिस है और ये प्यारे बच्चों वाई एक्सिस है। आपको दो एक्सिस दिख रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। अब जो है हमारा कोई वेक्टर जो है कुछ ऐसे दे दिया है, जो बेढंगा तरीके से, ना तो वो एक्स एक्सिस पे और ना तो वो वाई एक्सिस पे, और कुछ इस प्रकार से वो वेक्टर हमको दे दिया है, और ये वेक्टर ये, ठीक है, ये वेक्टर कुछ इस प्रकार से दे दिया हुआ है। तो देखिए ये क्या है, एक्सिस से बाहर है कि नहीं, ना तो एक्स एक्सिस पे है ना तो वाई एक्सिस पे, यानी कि ये क्या है, अवकात से बाहर। तो इसको कंटाप मार के अवकात में लाएंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कितना बाहर है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल जो है ऊपर है या नीचे, जहां कहीं पे एक्स एक्सिस से कितना एंगल ऊपर है या नीचे है, तो हम लोग देखेंगे, मान लेते हैं कि इस एंगल को, ये एंगल है थीटा, इस एंगल को क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों, थीटा। तो हम लोगों ने पाया कि ये मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, ये कोई वेक्टर है और इस वेक्टर को हम ए वेक्टर कह रहे हैं, और ये जो है हॉरिजॉन्टल से क्या है कि थीटा एंगल ऊपर है। अब इसको हम लोग क्या ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, मैं कहूंगा कि ये चीज जो है ये एक्स है, ठीक है, यानी कि वेक्टर ए के द्वारा एक्स में जो वर्क हुआ है, जो भी कुछ हुआ, अगर मोशन है, अगर वेक्टर ए मोशन को रिप्रेजेंट करता है तो ये मोशन हुआ होगा, अगर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है तो फोर्स लगा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, बस अभी फिलहाल के लिए हम वेक्टर मान रहे हैं, और वेक्टर किस चीज को डिनोट कर रहा है इससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग वेक्टर का सिंपल क्या पढ़ रहे हैं, वियोजन यानी कि रिजोल्यूशन। इसी तरह ये y डायरेक्शन में जो a के द्वारा जो भी कुछ हुआ होगा वो है, होगा ए वाई, ठीक। अब हमको दो चीजें मिल गई, तो रिजोल्यूशन करने के बाद पैरोचो इस वेक्टर का दो डायरेक्शन में, क्योंकि ये वेक्टर देखिए ऐसे है इस डायरेक्शन में, तो इसका जो है आप देखिए अगर ऐसे ऐसे बढ़ते जाए तो हम लोग दोनों एक्सिस में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ मेजरमेंट करते जा रहे हैं, यानी कि देखिए हम जो परिवर्तन जो हो रहा है वो जब यहाँ आए तो एक्स एक्सिस में इतना परिवर्तन हुआ है, जो भी फोर्स लगना हो तो फोर्स लगेगा, ठीक है, या फिर अगर इसको हम लोग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करें तो वेलोसिटी होगी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, इस हिसाब से, ठीक है। तो ये वेक्टर ये, तो इस वेक्टर का कैसे वियोजन होगा, कैसे रिजोल्यूशन होगा, तो ए वेक्टर का एक्स एक्स डायरेक्शन में जो वियोजन होगा वो होगा ए एक्स, इसी तरह वाई डायरेक्शन में जो होगा वो होगा ए वाई, ठीक है। अब देखते हैं कि ये बताइए यहाँ पे प्यारे बच्चों कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं, ओ ए अगर इसको हम मान लें बी और इसको हम मान लें डी, तो ओ बी ए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं प्यारे बच्चों, सोच के बताइए, ठीक है। मैं इसको भी यानी कि अगर ये बताइए यहां से जो है ओ डी जो है ए वाई है, तो मैं कह दूंगा कि बी से ए, ए से बी जो भी है, ए से बी, ए बी कितना होगा, तो मैं कहूंगा कि ए वाई, ए बी कितना होगा, तो मैं कहूंगा कि ए वाई, ठीक है। अब हम देखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और वो कौन सा है, ओ बी ए, ओ ट्रायंगल ओ बी ए, अगर ओ बी ए में अगर हम कॉस थीटा लगाएं, क्या लगाएं, कॉस थीटा, तो हमें मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, या इसी को बोल सकते हैं बेस अपॉन
हाइपोटेनस, ठीक है हाइपोटेनस क्या बोल सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा पहले बच्चों, यहाँ से बेस हमारा कितना है इसमें देखा जाए तो बेस हमारा ए एक्स है, बेस हमारा ए एक्स है, हाइपोटेनस कितना है तो ये कितना है ए है, कितना है कह रहे बच्चों ए है, ठीक है तो ए हो जाएगा यहां से कॉस थीटा। अगर इस जगह से मैं ए एक्स की वैल्यू निकालूं तो ए एक्स की जो वैल्यू आएगा ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स, ये हो जाएगा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे। तो हमको दिखाई पड़ा कि a cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा ए एक्स, यानी कि प्यारे बच्चों यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हम a के दो कंपोनेंट किए थे, एक ए एक्स किए थे x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में जो ए वाई किए थे उसका जो है जो वैल्यू आया यानी कि ए एक्स का जो वैल्यू आया वो आया a cos थीटा, a cos थीटा। अब इसी राइट एंगल ट्रेंगल में जो है हम साइन थीटा अप्लाई करेंगे, अभी हमने क्या अप्लाई किया था कॉस थीटा, अब हम अप्लाई करेंगे साइन थीटा, ठीक है तो अब हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, या इसी को बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से आ जाएगा परपेंडिकुलर कौन सा है तो ए वाई, परपेंडिकुलर कौन सा है तो ए वाई परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हाइपोटेनस कितना है तो हाइपोटेनस अभी भी क्या है ए है। तो यहां से हमको ये बात पता चलेगा प्यारे बच्चों कि ए वाई की जब वैल्यू निकालेंगे तो ए वाई उधर रहेगा, ए अपॉन में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई, और इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे सेकेंड, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे सेकेंड। यानी कि प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ, मतलब क्या हुआ कि इस ए वाई को जो कंपोनेंट हम लोग दूसरा कंपोनेंट लिए हैं ए वाई, ए कंपोनेंट तो ए के दो कंपोनेंट हुए, हम लोग इसका क्या किया रिजोल्यूशन किया वियोजन किया तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक एक जो हो गया ए एक्स हो गया और दूसरा जो था ए वाई हो गया। मैंने ए एक्स निकाला तो वो आया कितना ए कॉस थीटा, जब ए एक्स निकाले तो वो आया ए कॉस थीटा, और इसी तरह जब ए वाई निकाले तो वो आया ए साइन थीटा। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका कि अब जो है ये हम लोग बार बार थोड़े ना निकालेंगे कि हर क्वेश्चन में आया, कोई भी क्वेश्चन आया कोई बड़े लेवल का आया तो पता चले कि 5 मिनट इसी में ले गए, ऐसे थोड़ा ना करना है। तो याद करने का बहुत सिंपल बहुत इजीएस्ट तरीका क्या है कि हम लोग क्या देखेंगे हमेशा कि थीटा जिसको अटैच कर रहा है यानी कि ए एक्स को, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को अटैच किया है, तो जिसको थीटा अटैच करेगा टच करेगा यानी कि जिससे थीटा होगा जिससे टच होगा, ये देखिए अगर ये एक्स एक्सिस है तो इस ये जो एक्सिस होगा ये जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा कॉस थीटा होगा, क्योंकि थीटा देखिए जस्ट इसी से चिपका हुआ है, इसलिए ये कंपोनेंट जब भी होगा हमेशा क्या होगा कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब इसको छोड़ दो तो जो दूसरा वाला है वो हमेशा क्या हो जाएगा अपने आप पता चल गया कि वो क्या हो जाएगा साइन थीटा होगा, यानी कि थीटा जिससे अटैच है वो कॉस थीटा होगा और बाकी दूसरा वाला साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए ए वाई क्या आ रहा है ए साइन थीटा आ रहा है, ए एक्स क्या आ रहा है इससे थीटा अटैच है इसलिए इसमें क्या आ रहा है ए कॉस थीटा, ठीक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चल जा सिम सिम। नाउ वी स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एंड एड आल्सो, ठीक है यानी कि हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो हम लोग सिंपल पाएंगे कि अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर कर रहे हैं और सेकंड का स्क्वायर कर रहे हैं तो आएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
थीटा, ये चीज आएगा। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके उसको क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, दोनों का स्क्वायर करके दोनों को क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। यानी कि बायां पक्ष को स्क्वायर करके बायां पक्ष में जोड़ेंगे, दायां पक्ष वाले को स्क्वायर करेंगे तो दायां पक्ष में जोड़ेंगे। तो इधर देखिए बायां पक्ष में ए अक्ष है, इधर बायां पक्ष में ए अक्ष है, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिए, दायां पक्ष को दायां पक्ष में जोड़ दिए। सिंपल, अब जोड़ जैसे जोड़ा जाता है वैसे जोड़ेंगे। अब देखिए इधर ए अक्ष का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर दोनों में है। प्यारे बच्चों ए स्क्वायर यहां पे देखिए दोनों में है, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन आ गया। अगर ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो अब हमारे पास क्या बचा, बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी होती है, और इस आइडेंटिटी का मान कितना होता है, तो 1 होता है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमको क्या देखने को मिलेगा कि ए स्क्वायर जो है ये वाला बराबर होगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। यानी कि मैं यहां से कह दूं अगर ए की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग कह देंगे कि ए की वैल्यू जो होगी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो एक जो है ये आ गया इसका, इसको बोलते हैं मापांक, मापांक मॉड। ठीक है, इस ए को ये जो आया है इसको बोलते हैं मापांक। ठीक है, जब भी कहा जाए कि ए का वेक्टर ए का मापांक कितना होगा, तो दोनों के स्क्वायर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों कंपोनेंट के स्क्वायर करेंगे और उसको क्या कर देंगे, सिंपली जोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत ही आराम और बेहतरीन तरीके से हम लोग धीमे धीमे गति से समझ रहे हैं। ठीक, अब इसमें एक चीज हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें अब हम लोग थोड़ा सा थीटा का अप्लाई करेंगे, टेन थीटा, यानी कि स्लोप देखेंगे, प्रवणता देखेंगे कि ढलान कितना है, ढाल कितना है, तो हमेशा जो है कौन बताता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है, तो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि सॉरी लंब बटे दाल। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों लोग अप्लाई करने वाले हैं टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे टेन थीटा लगाएंगे, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब बटे आधार, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ए वाई, परपेंडिकुलर ए वाई, बेस कितना है, तो ए एक्स, यानी कि ए एक्स, यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई, यहां से ए वाई अपॉन ए एक्स आएगा। और भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा जो होगा ए वाई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यही यहां से थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, थीटा इज इक्वल टू टेन को उधर ले जाएंगे तो टेन हो जाएगा इनवर्स में, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, ये हो जाएगा, जो कि बहुत सिंपल सी बात है। तो टेन इनवर्स, तीन फार्मूले हमको, तीन चार फार्मूले मिले, एक ये फार्मूला मिला, एक ये वाला मिला, और एक ये कंपोनेंट वाले हैं, ये दोनों क्या है, कंपोनेंट वाले। इतना टर्म हमको पढ़ना पड़ता है किसमें, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में इतना टर्म पढ़ना पड़ता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, अब इसको मिटाते हैं और जो है आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो ट्यूलॉजी।